गुड इवनिंग एवरीबडी। टुडे आई विल डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक वायरस। देखिए, ये सीरीज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स जैसे पीजीटी, टीजीटी, एलटीजीएसई एंड जीडीसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड मेडिकल्स, एमएससी, बीएससी एंट्रेंस वगैरह के लिए, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने इस मैटर को कंसाइज किया है और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जो आए हुए क्वेश्चन है, जो कमीशन से या आयोग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उसको क्या किया, इसमें समराइज किया है, ठीक है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है मैंने उन्हीं को किया है। आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एच आई वी इज क्या? ऑप्शन है रिबोवायरस, रेट्रोवायरस, डीऑक्सी राइवस वायरस एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये कौन सा है, इसमें ऑप्शन बी है रिट्रो वायरस, क्योंकि इसमें जो एच आई वी होता है इसे ह्यूमन, इसको क्या होता है, इसमें आरएनए होता है, क्या होता है, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि ए वायरस कंटेन, ठीक है, डीएनए ओनली, बी आरएनए ओनली, प्रोटीन, प्रोटीन है न्यूक्लिक एसिड, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, प्रोटीन है न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि आप वायरस देखेंगे तो उसमें प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, आरएनए हो सकता है या डीएनए दोनों हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किसमें आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल तरह है, इसमें ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, स्टेफिलोकोकस, एचआईवी, बैक्टीरियोफेज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, एच आई वी, ठीक है, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर ए प्रोकैरियोट नॉर ए यूकैरियोट्स, तो आप क्या कहेंगे, वायरस, ठीक है, क्योंकि वायरस क्या है, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है और ये सेल के बाहर जो है एक क्रिस्टल मटेरियल है और सेल के अंदर एक लिविंग की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स में भी नहीं है और यूकैरियोट्स यानी नॉन सेलुलर, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मोंटागेनर एंड गैलो वर डिक्रेडिटेड फॉर आइसोलेटिंग, देखिये ये दो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, दोनों गैलो एंड मोंटागेनर जो है इन्होंने आइसोलेट किया था, आप सुने होंगे इसके बहुत समय पहले जो है केस आया था एड्स के बारे में, ठीक है, तो इन्होंने आइसोलेट किया था एड्स, ठीक है, एड्स वायरस यानी एचआईवी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन, प्लांट वायरस में क्या होता है नॉर्मली, आरएनए, बी डीएनए, आरएनए एंड डीएनए, नन ऑफ दिस, तो प्लांट वायरस में क्या होता है, नॉर्मली केस में प्लांट वायरस में क्या होता है, आरएनए होता है कुछ को छोड़ करके, जैसे कोलिमो मोज़ेक वायरस और ऐसे जेमिनी वायरस को छोड़ के, ठीक है, तो प्लांट वायरस में नॉर्मली क्या होता है, आरएनए होता है। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज, यानी कि प्रोटीन के ऐसे पार्टिकल्स जो इन्फेक्शन इन्फेक्शियस होते हैं, जिसमें इन्फेक्शन काज करने की प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, वायरस और बैक्टीरियोफेज, तो इसमें कौन सा सही है, प्रियॉन्स होते हैं, क्या है, प्रियॉन्स है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कौन से, प्रियॉन्स, प्रियॉन्स के द्वारा बहुत सारी डिजीज काज होती है, जैसे क्रूसफेल डिजीज वगैरह, ठीक है, मैटकाउ डिजीज होती है, बोविन स्पंजी फॉर्म डिजीज होती है, तो ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे कि विच आर द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूंट ए वायरस, ठीक है, इसमें से कौन ऐसे पेयर है जो वायरस में प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, स्टार्च एंड फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड प्रोटीन, तो इसमें कौन ऑप्शन सही है, सी सही है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसका कंस्टिट्यूंट होता है। वायरस आर ओनली मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं वायरस, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स, स्टार्च मॉलिक्यूल एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, तो वायरॉइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वायरस नहीं है, तो वायरॉइड्स क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हेन वायरस अटैक बैक्टीरियम, ठीक है, ये वायरस से अटैक करता है बैक्टीरियम पे, द मटेरियल दैट इंटर द होस्ट सेल इज क्या, कौन सा चीज उसमें इंटर करता है, तो क्या है, इसमें है प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, ए एंड बी, नन ऑफ दिस, तो क्या जाता है, केवल न्यूक्लिक एसिड जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें
एमंग द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड द वायरस, इसमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने वायरस की खोज किया था, डिस्कवर किया था, तो इसमें आई वन वॉज की। ओके, फिर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है। हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय किसे होते हैं, वायरस से कॉज्ड होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या होते हैं, अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि प्रियॉन्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ, तो किससे बने होते हैं, सेलुलोज, बी प्रोटीन्स, सी म्यूकोप्रोटीन एंड स्टार्च, तो आपके कौन से इसमें है, इसमें है प्रोटीन्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इंक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, जो प्रोटीन जो है न्यूक्लिक एसिड, किसी वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है उसको जो चारों तरफ से कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप्सिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर ए प्रोकैरियोट नॉर ए यूकैरियोट, ठीक है, तो इसमें कौन सा है, टीएमबी। इसके पहले ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐड भी किया कि किस प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन हुआ है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वायरस इज करेक्ट, वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं कह रहा, दे हैव देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, ये भी गलत है, दे कंटेन आइदर डीएनए आरआरएनए, फिर दूसरा देख लेते हैं, दे आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, दे आर रेडली किल्ड बाय एंटीबायोटिक, तो इसमें ये ऑप्शन सही है कि दे कंटेन आइदर डीएनए आरआरएनए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच ऑफ दीज नॉर्मली हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए आर आरएनए। ठीक है, वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, किसमें होता है, वायरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, देखो आरएनए जो है जैसे मान लो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, अब इस जेनेटिक मटेरियल में डीएनए भी हो सकता है और फिर क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए आरएनए, अब डीएनए भी क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, ऐसा किस नहीं केवल आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, कहीं कहीं पे डबल स्ट्रैंडेड भी शो करता है। ठीक है, तो कह रहा है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फाउंड किस में पाया जाता है, स्मॉल पॉक्स वायरस, फिर क्या है, उल्ट ट्यूमर वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है वो केवल उल्ट ट्यूमर वायरस में पाया जाता है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे स्मॉल पॉक्स वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें सभी में, इन तीनों में क्या है, इन तीनों में क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डेड एज न्यूक्लियर प्रोटीन्स। ओके, फिर इसमें आइवनोवस्की, स्टैनले, पॉइचर एंड मिलर, आपने देखा इसके क्रिस्टलाइन किसने किया था, स्टैनले मिलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस बाई किसने दिया था, टर्म वायरस किसने इंट्रोड्यूस किया था, बताइए, द टर्म वायरस गिवन बाय पॉस्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल, आपने कौन कौन से ऐसी है वायरल डिजीज जो डोमेस्टिक एनिमल है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, बैक्टीरियल, जॉन्डिस, न्यूमोनिया एंड एनाफिलीज, तो इसमें क्या है, ये इनमें से कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो वायरस के बाद जो कैटल्स में होती है, नन ऑफ दिस, इसमें ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स किससे होता है बताइए, एक होता है वायरियोला, कोक्सिएला, एडीज एंड फ्रेंसीएला। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स किससे होता है, वायरियोला से। चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरीसेला से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो दो है चिकन पॉक्स, देखिए चिकन सी से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये सी शुरू भी हो रहा है और यहाँ बीच में भी सी है, तो वायरीसेला, ठीक है, वायरीसेला याद रखना, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आप देखते हैं कौन इसमें ट्रू है,
इन ए वायरस प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोम हियर, वायरस बी है वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल आल्सो, नो वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये वायराइड्स की बात कर रहे हैं, वायरस नहीं है, ठीक है। वायरसेस हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वायराइड्स है, ठीक है, वायराइड्स है। फिर उसके बाद क्या है, वायरस कैन मल्टीप्लाई डेड सेल, ये भी गलत है। इसमें वायरस इन ए वायरस द प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोम हियर, ये सही, ओके। नेक्स्ट की अगर हम डिस्कस करें तो एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार है, रानीखेत डिजीज एसोसिएटेड विद पोल्ट्री, हनी बी, सिल्क मॉथ एंड कैटल्स। तो रानीखेत किससे है, पोल्ट्री से है, ठीक है, मुर्गी पालन होता है तो उसमें एक डिजीज होती है रानीखेत। नंबर ऑफ बेस पेयर इन जीनोम ऑफ 5 × 174 वायरस में कौन सा जीनोम होता है, उसमें बेस पेयर कैसा होता है, ठीक है, तो बेस पेयर कैसा होता है बताओ, 5386, इसमें है 5386, ठीक है, इतना बेस पेयर होता है। नेकेड वायरस आर कौन से, इसमें प्रियान है, वायरसॉइड्स है, फायरॉइड्स है या फेज वायरस, कौन से इसमें, वायरॉइड्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोलीफोज कोलीफेज 5 × 174 वायरस कंटेन, क्या कंटेन करता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो क्या होगा इसमें, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए करता है, ओके। फिर इसके बाद T4 बैक्टीरियोफाज कैन ग्रोन इन, किसमें T4 बैक्टीरियोफाज ग्रोन होता है, जिसकी ये वायरस है, इन कोलन बैक्टीरिया ऑफ इकोलाई, इन आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कोलन बैक्टीरिया ऑफ इकोलाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियंस मींस, वेरियंस क्या है, इसका मतलब कैप्सिड ऑफ वायरस, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस एंड डेड वायरस, तो वेरियंस क्या है, डेड वायरस है, ओके। तो ये एक सीरीज था, मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किया और ये वायरस से रिलेटेड जो टॉप क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डीजीटी पीएचडी जीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में कुछ आए हुए क्वेश्चन है, मैंने वायरस से रिलेटेड कुछ इसमें क्वेश्चन ऐड किए, और अगर कुछ क्वेश्चन अगर छूटते हैं तो मैं इसमें ऐड करूंगा। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली जो एमसीक्यू है, ठीक है, एमसीक्यू अब सीरीज जारी होगी, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर से जरूर आप एक गोल ओरिएंटेड काम को करें और आपको सफलता जरूर मिलेगी, ओके, थैंक यू।